अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं सुनाने जा रही हूँ एक कहानी जो कि मुल्तान की है। जरूर सुनने का अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। काश तरह ना जाती, हम मुल्तान में रहा करते थे जबकि चचा जान का घर लाहौर में था। मेरी नस्बत बचपन में चचा आबिद के बेटे अरशद से तय थी। वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे और कभी कभी अम्मी अब्बू से मिलने आते थे। इरशाद खूबरो नौजवान थे, वो मुझे पसंद करते थे, मैं भी इनको चाहती थी। एफए पास कर लिया तो चचा चची शादी की तारीख लेने आ गए। मैंने इनको खुश दिली से खुश आमदीद कहा। एक मरतबा इरशाद नहीं आए थे, इनके वालिदैन आए थे। मेरा दिल बेचैनी महसूस करने लगा क्योंकि मुझे इरशाद का इंतज़ार रहता था। चची ने बताया कि इरशाद के फाइनल इम्तिहान हो रहे हैं, इसलिए वो नहीं आया। खैर, शादी की तारीख तय हो गई, मिठाई बांट दी गई और फिर शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मैं बहुत खुश थी कि नई जिंदगी की तरफ जा रही थी। चचा जान का घर देखा गला था, कोई अजनबियत ना थी। शायद किसी में रुखसती के वक्त नहीं रोई थी जबकि अम्मी अब्बू रो रहे थे और मैं सोच रही थी कि चचा चची मुझसे माँ बाप जैसा प्यार करते हैं, फिर भला मुझे रोने की क्या ज़रूरत है। जब अम्मी अब्बू की याद आएगी इनसे मिलने आ जाऊंगी। लाहौर से मुल्तान का सफ़र सिर्फ 5 घंटे का ही तो है। शादी के कुछ दिन तो बहुत सुकून से गुजरे, नई खुशियों में वक्त गुजरने का पता ही ना चला। इस दौरान एक मरतबा अम्मी अब्बू भी लाहौर आए और 3 दिन रहकर चले गए। वक्त के साथ साथ इरशाद को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा, वो मुलाजमत की तलाश में मसरूफ हो गए। 1 माह के बाद नौकरी मिल गई, अब वो सुबह के गए शाम को घर लौटते, थके हारे आकर लेट जाते। सुबह जल्दी ऑफिस जाना होता था, रात को जल्दी सो जाते। सारा दिन घर में अकेली यूं रीत महसूस करने लगी। सास घर के कामों में मगन हो जाती। ससुर साहब अपने कमरे में अखबारों वसाइल से दिल बहार बहलाते या फिर सो जाते। घर में बच्चे ना थे कि इनके साथ हंस बोल कर दिल बहला लेती। एक दीवार जो बिरो बैरूने मुल्क पढ़ने गया था, वो और नंद की शादी हो चुकी थी, वो अपने घर में रहती थी।